औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर असद नकवी, होम्योपैथिक फिजिशियन। डियर व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है होम्योपैथी की एक बहुत बेस्ट मेडिसिन एबिस नेग्रा। अपने सिम्टम्स के हवाले से ये बहुत ही बेहतरीन वर्क करने वाली मेडिसन है। इसके सेंट सिम्टम्स और यूज़ करने का तरीकाकार भी मैं आपसे शेयर करूँगा। एबिस नेग्रा बहुत ही बेहतरीन मेडिसन है और बहुत से अमराज में कामयाबी के साथ इस्तेमाल करवाई जाती है। इसकी अलामात में साथ मैदे की अलामात की बहुत अहमियत है। जो भी तकलीफ़ बॉडी में होगी उसके साथ मैदे की अलामात का भी होना ज़रूरी होता है, तब ही ये मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। यानी इसकी अमराज में मैदे की अलामात का होना ज़रूरी है। इसके अलावा बूढ़े अफराद में बदहज़मी के साथ दिल के फाल की खराबी हो तो मफीद है। ऐसी तकलीफ जो चाय और तंबाकू के इस्तेमाल से पैदा होती हैं। इस दवा का मरीज़ तमाम दिन सुस्त रहता है और तमाम रात जागता रहता है। मैदा की अलामात आम हैं। खाना खाते ही मैदा में दर्द होता है, मैदे में गोले का एहसास होता है जो कि तकलीफ़ देता है। मैदे पर एक घुटन महसूस होती है, जैसे मैदे के अंदर हर चीज़ को गांठ दे दी गई हो, यानी गांठ से बांध दिया गया हो। सुबह के वक्त भूख महसूस नहीं करता, जबकि दोपहर और शाम को ज़बरदस्त भूख लगती है। इसकी एक मेन अलामत वो ये है कि सुबह के वक्त पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, लेकिन शाम के वक्त भूख में तेज़ी आ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। सीने में भी बोझ का एहसास होता है। लंग्स यानी फेफड़े मकम्मल तौर पर फैला नहीं सकता। सांस की तंगी होती है। दिल में यानी हार्ट में तेज़ पेन होता है, यानी दर्द होता है। दिल की धड़कन बोझिल और आस्था धड़कन बाज़ दफ़ा बढ़ जाती है। टाइफाइड का बुखार और साथ मैदा के दर्द की शिकायत होती हैं। डियर व्यूअर्स, अभी मैंने आपको एबिस नेग्रा की कुछ सिम्टम्स अलामात आपसे मैंने बयान किए हैं, और ऐसी अलामात में ये मेडिसन आप कम अज़ कम 4 से 5 कतरे दिन में 3 बार, ये ड्राप्स आप डायरेक्ट ज़बान पर भी ले सकते हैं दिन में 3 बार, और मौजूदा अलामात की सूरत में ये मेडिसन आप 2 से 3 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 2 से 3 वीक तक ये मेडिसन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एबिस नेग्रा ये आपने मेड इन जर्मन श्वाबे कंपनी की मेडिसन लेनी है, और ये मेडिसन होती है जो श्वाबे की, ये अपने असरात के लिहाज से बहुत ही बेस्ट हैं। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये मुख्तसर सी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी और आप इससे फ़ायदा लेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और डिजीज़, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।